The Dawn Express, Aina Sashka. मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में 1,00,000 ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गांवों में भी लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्ति की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने रिकॉर्ड तोड़ 2 घंटे 40 मिनट के लंबे भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उन अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की है जिस पर या तो चर्चा ही नहीं होती थी या फिर चर्चा नगण्य थी। वित्त मंत्री ने बेरोजगारी दूर करने तथा सुदृढ़ भारत के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की विशेष भूमिका की ओर ध्यान दिलाया है। संसद में इस बजट की विस्तृत चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना के अंतर्गत 2,83,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कृषि सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए का तथा ग्रामीण विकास हेतु 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पारंपरिक खेती पर विशेष बल देकर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार को मजबूत बनाने की बात भी कही गई है। कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान रेल का रास्ता ढूंढा गया है। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना का भी रास्ता खोजा गया है। पीएम कुसुम विस्तार योजना के तहत 20 लाख किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप और अतिरिक्त 15 लाख किसानों के लिए जो ग्रिड से जुड़े हैं उनके लिए भी सौर ऊर्जा चलित बनाने की बात कही गई है। किसानों की खाली पड़ी बंजर भूभाग पर ऊर्जा संग्रह लगाने में मदद करने की भी योजना है। किसानों के समक्ष उत्पाद को संरक्षित रखने की सबसे बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम भंडार योजना के तहत स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है जिसमें उत्पादों की लॉजिस्टिक लागत कम किया जा सके। वेयर हाउस विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा भंडार गृहों के निर्माण के तहत खंडों और तालुका स्तर पर सक्षम भंडार गृह का निर्माण करने हेतु पूंजी की कमी को दूर करने की भी बात कही गई है। मत्स्य पालन के जरिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक 53.5 मिलियन MT से दुगना कर 108 मिलियन मैट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत Tier 2 और Tier 3 के शहरों में PPP मोड पर अस्पताल बनाए जाएंगे। साथ ही मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इसमें नई
12 तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और मार्च 2021 तक 150 नए उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए डिग्री वाली ऑनलाइन योजनाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही उन्होंने नेशनल पुलिस विश्वविद्यालय और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव रखा है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इस बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये और स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जैसा कि देखा गया है, मध्यम वर्ग के लिए आयकर एक बड़ा मुद्दा रहा है। आयकर के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि अब टैक्स स्लैब को 4 आय वर्गों में बांट दिया गया है, जिसके तहत 5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10% कर लगेगा, जो पहले 20% था। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% की दर से टैक्स देना होगा, जो पहले 20% था। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा, जो पहले 30% था। और आगे 12 लाख से 15 लाख की आमदनी पर 25% टैक्स देना होगा, जो पहले 30% लगता था। 15 लाख की आमदनी पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। साथ ही सभी करदाताओं के लिए दोनों विकल्प रखे गए हैं। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं।